ये जो हेलमेट का स्ट्रिप माउंट मंगवाया है जो स्टूपी है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं और अनबॉक्सिंग के, और ये हमने अनबॉक्स कर लिया है तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या क्या है चलिए फिलहाल इसका पता नहीं है। ये जो चीज़ है ये कुछ इस तरह माउंट होगी हेलमेट पे, राइट। तो इसको सेटअप करने से पहले ठीक से एक बार देख लेना है, क्योंकि इसका सरफेस एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो पहले तो इसको चेक कर लेना है लगाने से पहले, राइट। ये थोड़ा दिक्कत करे ऐसा मुझे लग रहा है, ये कुछ इस तरह लगेगा। तो इसकी जो 3M टैप है इसको माउंट करते थे, इसको माउंट करने के बाद भी हमें ठीक से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी बार सेटिंग अगर हिल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए इसको माउंट, इसको लगाते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको स्ट्रेट करके नहीं लगाना है, थोड़ा टर्न करके लगाना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेट करके लगाओगे तो फिर थोड़ा टर्न होगा और उधर पे इधर पे एक भाग इधर से थोड़ा भाग बाहर आ जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। ये बहुत ही स्टिकी है तो थोड़ा संभाल के इसको लगाना पड़ेगा। ये हमारा एक साइड का लग गया है, देख रहे हो आप कि ऐसा कुछ ऐसा टर्न बन रहा है। ऐसा होगा तो अच्छे से वो लग पाएगा, अगर सीधा करके आप लगाओगे तो फिर ये दिक्कत आएगी कि जब आप मोड़ोगे तो इधर पे ये जो स्पेस है वो ज़्यादा मतलब शो होगी, यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी, जिसकी वजह से उसका जो फिटिंग है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो टर्न करके ही आप लगाओ। ऐसे ही मैं ये दूसरा टैप भी लगा रहा हूँ। देखिए मैंने थोड़ा टर्न करके रखा है, दूसरा भी लग गया है, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अगर आपको एक साथ नहीं लगाना है तो कट करके भी लगा सकते हो, पर मैं प्रीफर करूंगा कि आप ऐसे ही लगाओ। तो चलिए हेलमेट पे लगाने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। लग तो परफेक्ट रहा है, बस ये सेंटर में हो ऐसे ही आप लगाओ, क्योंकि एक बार भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने सब मेज़रमेंट देख लिया है, तो फिर भी एक बार ध्यान से देख लेना आप, क्योंकि एक बार लग गया तो फिर वो निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो फिर चिपकेगा नहीं। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गम है, तो प्लीज़ उसको बहुत ही ध्यान से लगाना, क्योंकि एक बार चिपक गया तो फिर निकालना मुश्किल है।
ये कंप्लीट चिपक गया है और जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही चिपका है, जरा भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो जब आप माउंटिंग करो तो उसको बहुत ही संभाल के करो। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है वेंटिलेशन, तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें अब कैमरा लगा के देखते हैं। देखिए हम ये कैमरा ये हेलमेट में माउंट करने जा रहे हैं। तो DJI के कैमरे के साथ ये एक माउंटिंग प्लेट आया है, तो इसको हम इधर माउंट करेंगे। ओके, इसको बाद में सेट करते हैं, अब इसको माउंट करते हैं। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है।